नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता पिज़्ज़ा स्टिक, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और ये बच्चों और बड़ों को सभी को काफ़ी पसंद आती है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पास्ते को उबालेंगे, गैस ऑन करेंगे, भगोना रखेंगे, उसके अंदर हम 2 से 2.5 गिलास पानी डाल देंगे। पानी को अच्छे से उबलने देंगे। जब पानी हल्का गर्म हो जाएगा, आधी चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। मैंने 1 कप पास्ता लिया है, आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं, और वो पास्ता डाल देंगे। पास्ते को हमें 5 से 7 मिनट तक उबाल लेना है और इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इससे क्या होगा, हमारा पास्ता जो है वो आपस में चिपकेगा नहीं। बस मीडियम फ्लेम पर हम इसे इसी तरह उबलने देंगे और बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। पास्ता हमारा उबल गया है, मैंने इसे 5 मिनट तक उबाला है। अब हम इसे छान लेंगे। देखिए पास्ता मैंने छान लिया है और ये हल्का ठंडा भी हो गया है। अब हमें इस तरह की स्टिक चाहिए जिसमें हम पास्ते को इस तरह से लगा लेंगे। ये स्टिक जो है, पास्ता स्टिक फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे छोटी मोटी भूख में बना सकते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, बच्चों की बर्थडे पार्टी पे भी बना सकते हैं, छोटे मोटे फंक्शन पे भी बना सकते हैं। और ये खाने में बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। एक न्यू रेसिपी है फ्रेंड, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको काफ़ी पसंद आएगी। देखिए इस तरह से हम पास्ता लगा लेंगे। ये 1 स्टिक मैंने तैयार कर ली है, इसी तरह हम दूसरी स्टिक भी तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने दोनों स्टिक तैयार कर ली है। अब मैंने क्यूब्स वाली मोज़रेला चीज़ ली है, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये स्टिक फ्रेंड आप एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बनाकर खाएंगे और ये बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। चीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा लगा सकते हैं। साथ ही हम इसके ऊपर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च लगा देंगे। प्याज लगा देंगे, स्वीट कॉर्न लगा देंगे। आप अपने हिसाब से मनपसंद की वेजिटेबल लगा सकते हैं, टमाटो भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो, पीली शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, जो भी आप लगाना चाहें इस पर लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर ओरिगैनो छिड़क देंगे और थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स छिड़क देंगे, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। नमक छिड़क देंगे हल्का सा और बिल्कुल थोड़ा सा हम चाट मसाला छिड़क देंगे और इसी तरह हम दूसरी स्टिक तैयार करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हम चीज़ लगा देंगे। चीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा लगा सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। इस तरह से हम दूसरी स्टिक भी तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने 2 स्टिक तैयार कर ली है। अब हम इसे सेक लेंगे, एकदम लो फ्लेम पे हमें इसे सेकना है ताकि पास्ता जो है नीचे से क्रिस्पी ना हो, सिर्फ हमारी चीज़ जो है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। बस इसी तरह हम 2 से 3 मिनट तक इसे इसी तरह धीमी धीमी आंच पर स्टीम होने देंगे। आप देखेंगे कि 2-3 मिनट बाद ही हमारी चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही जल्दी रेसिपी बन जाती है फ्रेंड। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों और बड़ों को सभी को काफ़ी पसंद आने वाली है। देखिए हमारी पिज़्ज़ा स्टिक तैयार है खाने के लिए। पास्ता पिज़्ज़ा स्टिक भी आप इसे बोल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी यह पास्ता पिज़्ज़ा स्टिक कैसी बनी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।